दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लखनऊ के मैदान पर शर्मनाक हार मिलने के बाद भी मुंबई इंडियंस के फैंस ने दिखाया अपना असली रूप। हार्दिक पांड्या को बू बू कर गालियां देते हुए न केवल उनके साथ बदतमीजी की, बल्कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम से बाहर उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो आखिर क्यों मुंबई के फैंस ने कर दी हार्दिक की जमकर कुटाई? क्यों घटिया हरकतों पर उतर आए मुंबई के फैंस? ऐसी कौन सी घटिया हरकत करी उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ जिसने पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मचा दिया? उस शर्मसार कर देने वाली घटना का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में मुंबई और लखनऊ के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले मुंबई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन मुंबई की टीम 20 ओवर में लखनऊ के सामने केवल 144 रनों का लक्ष्य दे पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की भी शुरुआत कुछ खास नहीं रही। मुंबई एक समय तो ऐसा लग रहा था कि ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन इस ओर दीपक हुड्डा ने मिलकर अपनी टीम को संभालते हुए जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया और अंत में निकोलस पूरन ने लखनऊ को 4 विकेट से यादगार जीत दिला दी। लखनऊ की जीत देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, वहीं मुंबई के खेमे में सन्नाटा छाया हुआ था। मुंबई की हार देखकर पूरा स्टेडियम निराश हो गया, मुंबई के खेमे में सन्नाटा छा गया। सभी खिलाड़ी स्टेडियम में ही फूट फूट कर रोने लगे। वहीं स्टेडियम में बैठे मुंबई इंडियंस के फैंस का गुस्सा हार्दिक पांड्या पर फूटने लगा। यहां तक कि मैच खत्म होने के बाद जब हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, उसी दरमियान फैंस हार्दिक को बू बू के साथ साथ अभद्र शब्द बोलना शुरू कर चुके थे। यहां तक कि हार्दिक के अकाउंट पर जाकर कुछ फैंस ने तो वहां गालियां बकना शुरू कर दी। इतना ही नहीं, जब स्टेडियम से बाहर हार्दिक पांड्या होटल जाने के लिए रवाना हुए तब गुस्साए हुए फैंस का जमावड़ा स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ था, जिन्होंने हार्दिक पांड्या को देखते ही उनके खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। उन्होंने इस तरह से हार्दिक पांड्या पर नफरत फैलाई जिसे सुन पाना भी किसी के लिए नामुमकिन था। उन्होंने हार्दिक पांड्या को घेर लिया था, ऐसा लग रहा था कि आज तो इस खिलाड़ी की शामत आ जाएगी। मुंबई के कई खिलाड़ियों पर उन्होंने अपना गुस्सा निकालना चालू किया। अचानक से वहां आंदोलन जैसा माहौल बन गया, दोनों पक्षों के बीच हाथापाई होने लगी। कुछ मुंबई इंडियंस के जिगरी फैंस खिलाड़ियों को बचाने के लिए आ गए। हालांकि सलाम है पुलिस बल और सिक्योरिटी को जिन्होंने हालात पर काबू किया, भीड़ को वहां से अलग किया और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को, खासतौर पर हार्दिक पांड्या को सुरक्षित वहां से निकाला, नहीं तो आज तो बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन जिस तरह मुंबई इंडियंस के फैंस बदतमीजी उन्होंने करी, नफरत फैलाई, उन्होंने भारत की छवि को बदनाम किया और बता दिया कि हार्दिक पांड्या को बिल्कुल भी कप्तान के रूप में पसंद नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।